राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। ये देखिए, अभी मैंने आपके साथ में जो फ्लावर प्लांट शॉपिंग शेयर की थी, उसमें आपके साथ में मैंने ये जो क्लांचू के प्लांट है ये शेयर किए थे कि मैंने 4 कलर्स के ये जो प्लांट है वो परचेज किए हैं। थोड़ी सी इनकी हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं कि कुछ देखिए ये इस तरीके से, लेकिन हर में एक न्यू ग्रोथ्स आ रही है। तो मैं आज इन सभी प्लांट्स को वो है रिपोर्ट करने वाली हूँ और वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इसकी थोड़ी सी स्पेशल सी थोड़ी मैं केयर करूँगी ताकि ये जो मेरे प्लांट है वो काफ़ी अच्छे हो जाए। और फ्लावरिंग तो आप इनमें देख ही रहे हैं कि अभी से ही बहुत ही एक्सिस फ्लावर जो है जो बर्ड्स आ रखी है और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए सबसे पहले अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो चूँकि क्लांचो एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, मैंने इसमें सॉइल का यूज़ नहीं किया है। एक्चुअल में मैंने 60 से 70% जो है इसमें मैंने रिवर सैंड ली है और मैंने 40% इसके अंदर कंपोस्ट ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इस मिट्टी में कुछ भी नहीं लिया, बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी बनाई है। लेकिन ये जो है वो सकुलेंट प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर तो होल्ड रहेगा कंपोस्ट की वजह से, लेकिन मिट्टी जो है वो बिल्कुल सॉगी नहीं बनेगी क्योंकि जो सकुलेंट वेराइटी के प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हैं, ये मैं इनको जो मिट्टी के पोट्स में हैं उनमें लगा रही हूँ। ये मेरे 8 इंच के पोट हैं और चलिए फिर मिट्टी फिल करके प्लांट्स को लगाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है वो 70% के लगभग जो है पोट को फिल कर लिया है। और अब इसके बाद में मैं इस प्लांट को है इसको इसमें रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इसको निकाल लेते हैं अंदर से। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसका दिखाती हूँ तो ये जो प्लांट है वो रेड मिट्टी तो इसमें बहुत ही कम है, बल्कि ये जो प्लांट है वो कोकोपिट के अंदर और जो सैंड है उसमें लगा हुआ है। और देखिए आप, इसकी पोरस बहुत ही अच्छे से इसको कोकोपिट में लगाया है प्लांट को, काफ़ी अच्छी इसकी जो है वो है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये आप देख लीजिए कि इसमें बहुत ही जो कम है वो रूट्स बनी हुई है, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक है कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स है। और ये देखिए कितनी पतली पतली इनकी जो है वो रूट्स बनी हुई है। तो इस मिट्टी को मैं हल्का सा जो है इसको हटाऊंगी और उसके बाद इसी को मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर रेड मिट्टी जो होती है जो एकदम गाढ़ी वाली जो चिकनी मिट्टी होती है उससे हमें प्लांट को हटा देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी पोरस मिट्टी होती है तो हमें प्लांट को ज़्यादा और कम से कम जिनकी रूट्स बहुत अच्छे से नहीं बनी होती है उन प्लांट्स को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि हल्का सा बस इसको मिट्टी को थोड़ा हल्का सा मैं ऐसे लूज़ करूँगी और उसके बाद के अंदर इसके अंदर मैं लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्की सी मिट्टी को जो है वो लूज़ किया है और उसके बाद मैंने ऐसे ही इस जो प्लांट को है वो इसके अंदर रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं ऊपर से इसके अंदर जो है वो मिट्टी फिल कर दूँगी अच्छे से। देखिए, आप जब भी प्लांट्स लगाते हैं अपने पोट को बहुत ज़्यादा खाली मत रखिए। आप जब प्लांट्स को बहुत नीचे तक आप लगा देते हैं, इसको जितना ऊपर हो सके उतना लगाइए, क्योंकि इससे दो चीज़ें बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि फर्स्ट तो ये होता है कि जो प्लांट्स की रूट्स है उनको ज़्यादा जगह मिल जाती है नीचे तक फैलने के लिए, सबसे पहला तो ये। दूसरा, जब हमारी मिट्टी ऊपर तक फिल होती है, प्लांट ऊपर तक होता है, तो हम जो एक्सेस वाटरिंग है वो नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि हमारा जो प्लांट है वो कितना हमारा है और हमें कितनी उसको जो है वो वाटर देना है। तो इस तरीके से मैंने इस जो प्लांट को है, अब देखिए मैंने अच्छे से इसको फिल कर दिया है जितना मुझे करना था इसको। ये देखिए, इसके बाद हल्का सा मैं इसको दबा दूंगी। हल्की सी मिट्टी को हमेशा दबा दीजिए ताकि जो एयर्स हैं वो हमें पता चल जाए कि हमारी जो मिट्टी है कहाँ तक लूज़ हुई है कहाँ नहीं है। तो ये इस तरीके से अब मैं जो है बाकी के प्लांट्स भी मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद में आपको जो है सभी प्लांट्स में अब हमें इसके बाद लास्ट में क्या देना है और फिर उसे कैसे वाटरिंग करना है वो बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है अपने सारे जो प्लांट्स है वो रिपोर्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों के चारों जो प्लांट्स है वो मैंने लगा दिए हैं। अब जो है मैं थोड़ा फंजीसाइड लूँगी और उस फंजीसाइड को जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी ताकि जो भी कुछ फंगस वगैरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि सकुलेंट्स में थोड़ी फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वैसे तो मैं अपने हर एक प्लांट्स में जब भी उनको रिपोर्ट करती हूँ तो थोड़ा सा फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर देती हूँ। और ये मैं जो फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, ये मैं साफ का फंजीसाइड यूज़ करती हूँ जो कि सिस्टम के थ्रू वर्क करता है।
एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड है और काफ़ी अच्छा फंजीसाइड है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो या जो आप यूज़ करते हैं फंजीसाइड, तो जब भी अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो उसके बाद में आप या तो पानी के अंदर डिजोल्व करके दे सकते हैं, और मेरे को ये तरीका ज़्यादा सही लगता है। मैं हमेशा ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ तो वो धीरे धीरे जो है मिट्टी में चला जाता है, जब भी अभी पानी में उसको दूंगी तब, और उसके बाद में जो ये है अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। इससे फंगस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। इसके अलावा आप जो हैं वो 15 दिन में एक बार अपने प्लांट्स के अंदर इसको स्प्रिंकल करते रहिए, या फिर जो आप पानी पिलाते हैं प्लांट्स को उस पानी के अंदर आप इसको डिजोल्व करके और हर 15 दिन के अंदर आप इनको प्लांट्स को देते रहिए, ताकि आपके प्लांट्स में किसी भी तरीके की फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, अब एक बार मैं इसको अच्छे से पानी पिला दूँगी, क्योंकि सक्लेंस प्लांट को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। पर अभी अभी हमने इनको रिपोर्ट किया है तो जो मिट्टी है वो काफ़ी सूखी है, और तो एक बार हमें बनता है कि हम इसको अच्छे से पानी पिलाएं, और उसके बाद में जब इसकी मिट्टी सूखती है तभी आपको क्लांचों में पानी देना है, वरना आपको उसको पानी नहीं देना है। क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से ये जो क्लांचो है वो इसकी जो स्टेम और रूट्स है वो नीचे से ख़राब होने लगती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो ख़राब हो गई है। फिर वो अचानक से टूट के गिर जाएगी ब्लैक होके, तब पता चलेगा। तो जब मिट्टी सूख जाए तभी आपको क्लांचों को पानी देना है, वरना आपको पानी नहीं देना। अब मैं इनको 2 दिन के लिए थोड़ा सेमी शेड में रखूँगी, और उसके बाद मैं इनको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर इनको कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप कम से कम इनको मिले। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।